मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में आबकारी विभाग की टीम ने शासकीय अंग्रेजी वियर हाउस में रखी करीब 6 माह से पुरानी लगभग 3000 पेटी बियर और देसी विदेशी लगभग 2100 पेटी शराब जो अब बिक नहीं रही है उनका नष्टीकरण किया। नष्टीकरण की गई 22000 लीटर बियर और शराब की कुल कीमत 1,58,00,000 रुपए है। सिवनी से मंडला रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को गड्ढों पर बहाई जाने वाली बियर और शराब बहती दिखाई दी। दरअसल जेसीबी से नष्ट कर गड्ढों पर बहाई जाने वाली बियर और शराब सिवनी आबकारी विभाग की कार्रवाई का हिस्सा थी। आबकारी विभाग की टीम ने शासकीय अंग्रेजी वेयर हाउस में रखी करीब 1,58,00,000 रुपए की बियर और शराब गड्ढों में बहा दी। इतना ही नहीं, वेयर हाउस के सामने की सड़कों पर भी बियर और शराब बहाई गई। दरअसल शासकीय वेयर हाउस में रखी लगभग 3000 पेटी बियर और 2100 पेटी शराब जो चलन से बंद और एक्सपायर हो चुकी थी, उन्हें आज विभाग ने नष्टीकरण की कार्रवाई की। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। जी सर बताएं। आज दिनांक 20 मार्च 2021 को विदेशी मदिरा शराब गोदाम परिसर सिवनी में 6 महीने से अधिक पुरानी बियर एवं बिना बिकी हुई जिनके लेबल आदि रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं शराब, ऐसे कुल 4,800 के लगभग पेटियों का कलेक्टर द्वारा गठित समिति के समक्ष नष्टीकरण किया गया है, कुछ किया जा रहा है। और इस नष्टीकरण की जा रही बियर और शराब की कीमत लगभग 1,58,00,000 रुपए के करीब है। आज 20 मार्च 2021 को आबकारी आयुक्त के विभिन्न आदेशों के तहत 6 माह से अधिक अविक्रित बियर और जिन इकाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका स्प्रिट, जिसमें 2,880 पेटी बियर और 2,110 पेटी स्प्रिट नष्टीकरण कलेक्टर महोदय द्वारा गठित समिति के समक्ष किया गया स्वतंत्र साक्षियों का उपस्थिति। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।